जा रहे हैं अभी पहलगाम। पहलगाम जाने के रास्ते में लहर, इसमें हम आए हैं ड्राई फ्रूट्स खरीदने, बहुत सस्ते हैं, हम लोग बहुत सारे 10 दुकान घूम चुके हैं, लेकिन ये दुकान में सबसे अच्छा मिलता है ड्राई फ्रूट्स। चलिए देखते हैं। वो क्या बोलेगा, ये बोलोगे ना फिर वो क्या करेगा, उसको पता ये देता है कि नहीं। खाने के लिए जब आप खाओगे तो पता चलेगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कैंसर की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है। ये है कैसा, हम किसान हैं, ये हमारी खुद की प्रोडक्शन है, आपको यहाँ जो भी चीज़ मिलेगा वो 100% प्योर मिलेगा। कैंसर की पहचान कैसे होती है, इसकी जो स्मेल है ये एरोमेटिक है, ये कभी कॉपीराइट नहीं होती। दूसरी पहचान कैसे होती है, अगर हम कैसर को किसी भी लिक्विड फार्म में डालेंगे, ये समटाइम फ्लोट करना चाहिए, पानी के ऊपर तैरना चाहिए। अगर कैसर ने पानी के ऊपर तैरना शुरू कर दिया तो कैसर प्योर है, अगर डायरेक्टली बॉटम में आ गया तो कैसर इम्प्योर है, क्योंकि जो दो नंबर कैसर होता है वो केमिकलाइज होता है, उसमें वजन ज़्यादा होता है, वो डायरेक्टली बॉटम में चला जाता है। वो कैसर खुद दिखने में लाल है, मगर जब भी हम इसको किसी लिक्विड फार्म में डालते हैं ये पीला कलर देता है। ये बाई नेचर है, दिखने में लाल है मगर अंगी देता है पीला। पीले कलर के अलावा अगर कोई और कलर आ गया तो कैसर इम्प्योर है। एक और पहचान कैसे होती है, अपना हाथ दीजिए, उसको आप गौर से देखिए, ये सांप के प्रकार आता है, जस्ट लाइक ए स्नेक, सामने से मोटा पीछे से पतला। जो इम्प्योर होता है वो आपको सामने से लेकर पीछे तक सेम दिखेगा। और एक अहम बात, कैसर एक ही होता है, इसमें कोई वैराइटीज़ नहीं होती है। अगर आपको कैसर में वैराइटीज दिखने को मिलेगी तो वो इम्प्योर होगा। सबसे अहम बात, कैसर पानी में डिजॉल्व नहीं होना चाहिए, अगर कैसर पानी में डिजॉल्व हो गया घुल गया तो वो धुल गया। और कैसर की एक्सपायरी नहीं है, इसको तीन चीज़ से अवॉइड करना है, लाइफ टाइम चलेगा। गीले हाथ से इसको टच नहीं करना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, और फ्रिज से इसको बाहर रखना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखना है, नो एक्सपायरी। और ये कैसर की पैकिंग हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ये 1 ग्राम है, ये 2 ग्राम है, ये 5 ग्राम है, एंड सोनी 10 ग्राम, और इसकी कास्ट 250 per gram है, 250 per gram देन आफ्टर इट मल्टीप्लाइज। कैसर के बाद जो हमारे पास सबसे बेस्ट चीज़ है वो है, ये है हमारा मामरा बादाम, इट कंटेन्स ऑयल, इसको भिगोना नहीं है, इसको डायरेक्ट खाना है। जो आप बादाम खाते हो वो आप भिगो के खाते हो, दैट्स कैलिफोर्निया आलमंड, उसको भिगोना क्यों पड़ता है, उसके अंदर ऑयल नहीं आता है, वो बादाम शरीर को गर्म करता है। जो मामरा है इट कंटेन्स ऑयल, इसको भिगोना नहीं है, इसको डायरेक्ट खाना है। और ये हमारा अखरोट है, जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया, जो आपके वहाँ अखरोट मिलते हैं वो वैक्यूम पैक्स होते हैं, उसमें ऑयल नहीं मिलता है, इसमें जो मेन चीज़ है वो ऑयल है, इट कंटेन्स ऑयल, बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और उसके बाद हमारे पास ये ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी खून साफ करती है और डाइजेशन के लिए बेस्ट है। एंड दिस वन इज ब्लूबेरी, ये खून बढ़ाती है और हार्ट के लिए अच्छी है। और ये क्रैनबेरी, ये आईसाइड स्किन और यूरिन डिसऑर्डर के लिए बेस्ट है। उससे भी बेस्ट चीज़ हमारे पास एक है, वो है शिलाजीत, इसको कश्मीर में कहते हैं ब्लैक गोल्ड। शिलाजीत बेसिकली क्या होता है, शिला माने स्टोन, जीत माने पसीना, ये पत्थर का पसीना होता है। इसमें 85 ट्रेसिंग एलिमेंट्स होते हैं जो बॉडी को बहुत तरीकों से बेनिफिट करते हैं, जैसे कि बैक पेन, जॉइंट पेन, डायबिटीज, थायराइड, इम्यूनिटी बूस्टर, वेट लॉस के लिए, बोन डेंसिटी के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखता है, पेट साफ रखता है, और सबसे बेस्ट है सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए वर्क करता है। ये 100 ग्राम लाइफ में एक बार लेना है, दूसरी बार लेने की जरूरत नहीं है। इसको लेने का प्रोसीजर क्या है, इसमें से आपको पी साइज पोर्शन लेना है, इसमें से आपको पी साइज पोर्शन लेना है, और गर्म दूध या पानी के साथ इसको मिक्स करना है, और शाम के टाइम इसको लेना है। एंड दिस इज नॉट बाबा रामदेव प्रोडक्ट, ये हमारा शिलाजीत है, वेदर इट इज मेल और फीमेल, इसको दोनों ले सकते हैं। सबसे बड़ी अहम बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और 2 साल से ऊपर इसको कोई भी ले सकते हैं। तो मैं ये खा के दिखाती हूं, कैसे लिया जाएगा सर, इसको कैसे लेना है सर, इसमें से आपको पी साइज पोर्शन लेना है, जितना मटर होगा, मटर आप समझते हो भैया, वो ऑयल देखो उसके उसके साइज के बराबर इसमें लेना है, और गर्म दूध या पानी के साथ मिक्स करना है, और शाम खाना खाने के बाद। ये है सैफ्रन ऑयल, इसका कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट 900। और एक फेस क्रीम है, एंटी रिंकल प्लस फेयरनेस, ये कैसर और दूध की मलाई से बनती है। और एक दिस वन इज रोज वाटर, ये रोज वाटर है, ये फ्रेशनेस के लिए, स्किन के लिए बेस्ट रहता है।
नेक्स्ट का रोज वाटर ठीक है नाम वो दूसरा बता उसका 350 रुपए था ना रोज वाटर 350 रुपए और ये 400 यहाँ इस मार्केट में किसी भी शॉप से ले लो आपको प्योर मिलेगा। भैया देखो एक बार खुलिए। हाँ बोबस आसन वो तो पर सामी में 10-15 साल साला पचमी रात पे तो यार मोबाइल आम तो आ रहा हूँ तो बस कत दाम बोल रोजबेरी ब्लूबेरी ब्लैकबेरी क्रैनबेरी आमरा बादाम पाहता तो दिस उसको भिगोना क्यों पड़ता है उसके अंदर ऑयल नहीं आता है वो बादाम शरीर को गर्म करता है जो मामरा है हमारा ये देसी बादाम इट कंटेन्स ऑयल इसको भिगोना नहीं इसको डायरेक्ट ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट आलमंड है मामरा हाय मेरा ये नहीं पिघलेगा अगर ये पानी में डिसॉल्व हो गया किसी भी लिक्विड फॉर्म में डिसॉल्व हो गया वो डुप्लीकेट है ये खुद लाल ही रहेगा रंग देता रहेगा पीला खुद का कलर चेंज नहीं होगा मिलेगा। तुम्हें मैं चीज़ कराऊंगी, चीज़ अच्छी पाऊंगा तो निश्चित है।